कैसे हो दोस्तों, डीसी की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉमिक स्टोरी लाइंस डूम्सडे क्लॉक के लास्ट सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हम सब ने देखा ओज़िमंडियास अपना पूरा प्लान सैटर्न गर्ल को समझाता है। वो समझाता है कि कैसे उसने अपने अर्थ पर माइम, मैरियोनेट और रोर्शा को रिक्रूट करके अर्थ पर लेके आया, कैसे उसने बूबास्टिस की मदद से रशिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसकी ट्रेल मार्स तक पहुंचती है और जिसकी वजह से सुपरमैन के सभी साथी मार्स पर गए, जहां पर डॉक्टर मैनहट्टन के साथ लड़ाई में वो सभी एक ही झटके में हार गए और सुपरमैन अकेला पड़ गया, कि कैसे सुपरमैन के रशिया में होने पर सभी लोगों को ऐसा लगा कि सुपरमैन ने फायरस्टॉर्म की मदद की है इस ब्लास्ट में और पूरी दुनिया एक ही झटके में सुपरमैन के खिलाफ हो गई, कैसे उसने टाइमलाइन को चेंज कर दिया जिससे सैटर्न गर्ल इस टाइमलाइन से इरेज हो गई। दूसरी तरफ लेक्स लूथर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन से डॉक्टर मैनहट्टन के बारे में पता लगा देता है और सभी बात वो लोइस लेन को समझाता है। ब्लैक एडम अपनी मेटाह्यूमन आर्मी के साथ यूनाइटेड नेशंस पर हमला करता है और कहता है कि अब इस पूरी दुनिया पर उसका राज होगा, पर सुपरमैन आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सुपरमैन अकेला है उसकी पूरी आर्मी के सामने। सुपरमैन उनसे अकेले लड़ाई करता है और फिर उसे पहली बार डॉक्टर मैनहट्टन मिलता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक पहले के 13 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से सबसे पहले ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उन सभी एपिसोड्स को देख लीजिए। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एपिसोड 14 शुरू करते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन अपनी फ्यूचर देखने की पावर से कहता है कि मैं गलत था, मेरा अंत नहीं होने वाला है बल्कि पूरे यूनिवर्स का अंत होने वाला है। वो अपना पास्ट देखता है और फिर वापस प्रेजेंट में आ जाता है। वो कहता है कि अब से 11 मिनट और 57 सेकंड्स के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है कि सुपरमैन को समझने के लिए मैंने उसकी हिस्ट्री से छेड़छाड़ की और अब उसकी वजह से ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है और मुझे एक वायरस की तरह ट्रीट कर बाहर निकालना चाहती है। फिर वो सुपरमैन से कहता है, हेलो सुपरमैन। सुपरमैन पूछता है कि तुम कौन हो। जॉन कहता है कि मैं वो हूँ जिसे तुम डिस्ट्रॉय करने वाले हो, या फिर मैं वो हूँ जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सुपरमैन उससे पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, पर तभी रशिया के सभी सुपर हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं और सुपरमैन से कहते हैं कि रशिया के हुए बॉम्ब ब्लास्ट के लिए तुम्हें जवाब देना होगा। ब्लैक एडम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है कि सुपरमैन को सज़ा ज़रूर मिलेगी, पर मेरे देश में कांडाक में। पोजार कहता है कि नहीं, हम इसे रशिया लेकर जाएंगे। सुपरमैन कहता है कि हाँ, बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, हमें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर दोनों ग्रुप एक साथ सुपरमैन पर हमला कर देते हैं। रोडशेक खड़े खड़े न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ देख रहा होता है। सभी कंट्रीज अपने सुपर ह्यूमंस को यूएस के सपोर्ट में भेजती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर रोडशेक पर हमला कर देता है, पर अल्फ्रेड आकर उसे बचा लेता है। फिर अल्फ्रेड उससे वापस मदद मांगता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो ओज़िमंडियास को ढूंढने के लिए। वापस ये रोडशेक का मास्क पहन लो और मेरे साथ चलो। फिर बैटमैन वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ट्राई किया था मुझे वार्न करने का, पर मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। रोडशेक कहता है कि अब इस माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ सुपरमैन अकेले ही सभी विलन्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है। वो वापस जॉन के पास आता है। वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरी मदद करो, यहाँ पर सभी लोगों को बचाओ। पर जॉन कहता है कि मैंने फ्यूचर देखा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ। अब 4 मिनट से भी कम टाइम बाकी है। फिर जॉन कहता है कि मुझे ये फीलिंग याद है, कुछ सालों पहले जब ओज़िमंडियास ने बहुत बड़ा जायंट एलियन स्क्विड
न्यूयॉर्क में ड्रॉप किया था तब मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे और तब भी मुझे पता था ये होने वाला है। मुझे ये फीलिंग थी कि लाखों लोग मरने वाले हैं और आज भी मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ लेक्स लोइस को पूरी स्टोरी समझा देता है, फिर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ और जाकर इसके बारे में पूरी स्टोरी लिखो, और एक बात का ध्यान रखना, इस स्टोरी का पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो मैं था जिसने स्टोरी अनकवर की थी। अब मुझे जाना होगा, मेरी किसी के साथ मीटिंग है। सुपरमैन घायल हो गया है। वो जॉन से पूछता है कि तुम ऐसे ही खड़े होकर कुछ भी कैसे नहीं कर सकते हो। जॉन कहता है अब सिर्फ 12 सेकंड बाकी है, उसके आगे मुझे डार्कनेस के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है। वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने अपनी पावर से हिस्ट्री को चेंज किया क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर जानना चाहता था, और उसी चेंजेस की वजह से तुम्हारी लाइफ के बहुत सारे लोग मारे गए, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स। क्या तुम इसके लिए मुझे मार दोगे या फिर मैं अपने आप को डिफेंड करूँगा? तो सुपरमैन गुस्से से लाल हो जाता है और फिर वो फुल स्पीड में जॉन की तरफ बढ़ता है, पर वो जॉन को मारने की जगह पर पोजार को पंच मार देता है। डॉक्टर मैनहट्टन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो और इसके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए, पर अभी तुम्हें एक चॉइस लेनी है। तुम्हें लगता है कि या तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा या फिर तुम पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, पर शायद इन दोनों के अलावा कोई थर्ड चॉइस है। फिर सुपरमैन पूछता है कि ये कौन है। जॉन पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर सुपरमैन उसे वो फोटो दिखाता है जो जॉन हर बार पीछे छोड़ जाता है। वो कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाते हो वहाँ पर ये फोटो पीछे छोड़ जाते हो। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जॉन कहता है कि सही कहा, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो सुपरमैन कहता है कि शायद जो डार्कनेस तुम्हें दिखती है उसकी मदद से ही तुम दुनिया को बचा पाओगे। तो तुम उन दोनों चॉइस के अलावा शायद ये तीसरा चॉइस चूज कर सकते हो। फिर जॉन कहता है कि हाँ सही कहा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और फिर डॉक्टर मैनहट्टन अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर धीरे धीरे अर्थ के सभी लोग डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं और आखिर में सुपरमैन भी डिसइंटीग्रेट होकर मर जाता है। पूरा अर्थ गायब हो जाता है और फिर धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और यहीं पर हम एपिसोड 14 ख़त्म करते हैं। दोस्तों इसके बाद अब सिर्फ लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 15 बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर हल स्मैश मार दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है नील, ये है कॉमिक्स असेंबल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।